वेलकम बैक टू राइट स्वैप फिल्म्स। राजमाची पार्ट टू का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड क्योंकि डाउनहिल का एडवेंचर अभी बाकी है। लेट्स गो। ओके, ऑफ रोडिंग ने थोड़ा रास्ता इजी कर दिया बिकॉज वी केम हाफ ऑफ द वे ऑन व्हील्स। देयर यू सी द ट्रैक, देयर यू सी द पीक। आवाज़ आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय। People are raising the slogans at the top. Right swap 15. Right swipe. Right swap. SWAP. Okay. वो कौन सा है? उधर दो किला है। दो, ये दो एक है, वो एक है और उसके पास में एक और है। वो जो मेन दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि राजमाची फोर्ट करजत और लोनावला के बीच में पड़ता है और ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा मनोरंजन और श्रीवर्धन पीक्स का, और दोनों के बीच में जो प्लेट्यू है उसे राजमाची फोर्ट बनाया गया था। प्री मॉनसून सीज़न में यहाँ पर फायर फ्लाइज देखने के लिए लोग आते हैं और सनराइज़ के लिए भी, ये मतलब कैंपिंग करके सनराइज़ देखने के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन है। मॉनसून में आपको फॉग मिलेगा तो टॉप पे जाने के बाद आपको शायद व्यू ना दिखे आसपास का, बट जब फॉग हटता है द व्यू इज़ मतलब बहुत ही सुंदर है। टाइम लैप्स बहुत फास्ट था इसलिए हमने फ्रेम्स डाल दिए। ये है पुराने ज़माने का चेक पॉइंट जो थोड़ा मेंटेन नहीं होने के कारण टूट गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि ये गलत तो नहीं गए आप, बट नहीं, गलत नहीं है। यहाँ से दो रास्ते, एक राइट में एक लेफ्ट में। लेफ्ट में आपको एक छोटा सा लेक टाइप मिलेगा और ये व्यू देखिए, वाव स्टनिंग। यहाँ पे भी वाटर स्टोरेज का इंतज़ाम था इस लेवल पे। इंजीनियरिंग मार्वल बोल सकते हैं आप लोग इसको। थैंकफुली थोड़ा फॉग कम हो गया था तो अच्छा व्यू कैप्चर हो गया। और ये वो छोटा सा पॉन्ड है जो लेफ्ट जाने पे मिलता है, जो मैंने आपको बताया था। छोटू हो गया हमारा राजमाची का ऑफ रोड एंड ट्रेकिंग। नाउ आई एम इन लव विथ माई पल्सर 220। भाई क्या परफॉर्मेंस दिया मेरे गाड़ी ने, बट लो ग्राउंड क्लियरेंस में पल्सर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट टाइम अरे सलाम, जूते में पूरा कीचड़ घुस गया। समझ गए वो कि मोमेंटम खराब नहीं होना चाहिए। बुरे गाँव, पीपल आर यूज्ड टू सच रोड्स। नहीं, लाइक दे हैव टू गेट रेडी। ऑसम ऑसम, आराम से आ सकते थे। ओके, फर्स्ट आई विल बी लीडिंग, बट सेकंड डॉक्टर को रहने दो। ओके, पीछे थर्ड एंड फोर्थ यू ऑल डिसाइड हु यू ऑल वांट टू। थोड़ा आगे जो टर्न, बस ये डिसएडवांटेज होता है रेनी सीजन का, फॉग के कारण यू कैन नॉट एंजॉय द व्यू। दिख रहा है फॉग है। साला स्कूल हो गया फिर से। हम रास्ता बनाएंगे, हम मट्टी दबा के रास्ता बनाएंगे।
दूसरे राइडर्स के लिए हम रास्ता आसान करेंगे। रुका तो गिरेगा, गिरेगा तो नहीं, रुका तो गिरेगा, गिरा तो मरेगा। रक्त चरित गाड़ी का रिजर्व लगने वाला है। बताओ, क्लच नहीं दबाना है, इंजन ब्रेकिंग करनी है भाई। कीड़े और मच्छर जो है ना आँख में जाके बहुत दिक्कत देते हैं सारे। मजा ही आ गया। ये तो इजी वाला है, उसके आगे वो खराब वाला। ओके। अरे भाई ये स्लिपरी स्लिपरी है ना, ये बहुत बहुत उधर से एकदम बेस्ट। एक मिनट, एकदम आप उल्टा करो, टर्न लग गया साहब, अब इसको लो। अच्छा एक मिनट, अपन हम भी नीचे बहुत स्लिपरी लग रहा है, ले लो है ना। ये साइड से है, बीच में से एकदम सेफ। मैं बीच में पिछली बार फंस गया इसी में। रेस मत देना, क्लच पे जाने देना गाड़ी। स्लो स्लो स्लो। भाई 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 टाकू ना इकड़े गाड़ी तिथुने खड़ा है पूरा। ये तो बीच का थोड़ा सा रास्ता है। डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप डोंट स्टॉप। अभी रिटर्न में ये जो स्लोप है बहुत ही स्लिपरी है, फुल इंजन ब्रेकिंग पर गाड़ी जा रहा है। अगर आपने रास्ते के अगेंस्ट जाने का कोशिश किया देन यू विल फॉल हार्ड। वो फॉल अफोर्ड नहीं कर सकते सब लोग। ये तो पूरा पत्थर ही आ गया। पैर 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 हमको डम को गेट गेट लेगा। मैं गेट लेगा प्लीज। आई लाइक इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉट लोडेड, इट्स नॉट लोडेड, डोंट पैनिक, इट्स फाइन, इट्स नॉट ब्रोकन। ये कुत्ते ने बचा दिया ब्रो। 1 2 3 या फक तुम अच्छे से करो दिया कि नहीं। वो पत्थर जो था ना वो मैं देखा देखा मैं, कोई बात मेरा क्लच पूरा बेंड हो गया। हां मैं साइड से पे लगाया, क्लच बेंड हो गया। हां क्लच बेंड हो गया पूरा मेरा, गिरा ना क्लच पे गिरा। शिट मैन, पेट हो गया। उसकी हाइट ज्यादा ना गाड़ी की, वो लफड़ा गया। मैं ये खड्डे में फंसा, कोई भी अच्छे में अच्छा आदमी गिर जाएगा। ये खड्डे में फंसा, आई वॉज गोइंग स्ट्रेट, I was very very well controlled. ये दिक्कत दिया। But this fellow, no, this this thing, it threw me there. And front tire on this. मैंने आपको क्या बोला था वो टाइम पे? लद्दाख से खतरनाक वाला राइड। Seriously. धीरे जाओ, समय स्पीड स्पीड मत लेना ज़्यादा। Momentum ठीक है, momentum. Stand पे लगाने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। इसका stand बड़ा है ना? चढ़ गई है bike falling. हाँ? इसलिए मैंने हाथ ऊपर कर दिया। Don't stress. मेरी इसलिए फटी। My thing is, see, bike damage हो गया ना, आपको कोई problem नहीं। अरे पत्थर था। MS जो है ना, उसका पैर पूरा फंस गया था। वही मेरी फट गई। पत्थर भाई से पड़े हुए। जूते ने बचाया। Seriously? 100% का belt is come out ना बस। हाँ देखो ये सब। I think जरा पहले टूटा नहीं है शायद। टूटेगा नहीं यार इतना आसान से। हाँ clip है clip है, टूटा नहीं। Clip में से कैसा निकला? तो अभी हमारे डॉक्टर साहब अल्ट्रा प्राइम टाइगर, देखो सीरियसली वेरी स्केरी। अब क्योंकि वो जहाँ गिरे थे saw it, अगर उन्होंने राइडिंग गियर नहीं पहना होता शूज तो उनका पैर अभी फ्रैक्चर हो जाता। एज सिंपल एज दैट। क्या होता है ना कि एडवेंचर बाइक्स जो होती है ना उनकी हाइट ज़्यादा होती है तो आप पैर नहीं रख पाते और एक साइड आपका बैलेंस चला जाता है। इट्स नॉट अ स्प्लेंडर फैशन जो संभल जाए। ये 800 cc एडवेंचर बाइक ये सब गाड़ियाँ नहीं संभलती, कितना भी हाथी इंसान हों नहीं संभलती। ड्राई सीजन होता तो कोई टेंशन ही नहीं था फिर तो। मेरा तो पूरा वाटरफॉल हो गया, जाने का वाटरफॉल। इसका एवरेज कितना गाड़ी का? सही है फिर क्या है?
तो आगे जा रही है राजा गाड़ी टाटा सुमो, सैडली जिसको अपग्रेड नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि जो उसकी लेगेसी कैरी कर सकते थे ये थोड़ा डीप है, ऐसा लग रहा है सागर शेल्डेकर का वीडियो चल रहा है, प्रो प्लस राइडर। मतलब भाई क्या गाड़ी चलाते हैं, क्या रिव्यू देते हैं, मैन सागर भाई ऑफ यू। जाते वक्त इस टपरी पे हमने चाय पी थी और बहुत ही ऑसम व्यू एंजॉय किया था। ओह प्राइवेट लग्जरी व्हीकल, ये गाड़ी कितनी सुनी है? 16-17 वर्ष चली असेल राजा गाड़ी। मस्त चालतं ना या रस्त्यांसाठी, या रस्त्याला ह्याच गाड्या आमचे दाब। सेशन चल रहा था तो हमने भी अपना शेयर दे दिया पोज दे के। वेरी गुड, हाउ फास्ट आई कैन गो। वो गिरने के बाद लफड़ा ज्यादा नहीं, उसके बाद वो किया ये इसको दूर कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। सॉरी आपका कमर संभाल सकते हो तो दे सकता हूँ, बट मैं ये कपल है वाला एक को तो मैं बिठा लूंगा, दूसरे का पता नहीं। क्लच प्लेट इज गॉन, गॉन फुली गॉन। आप स्टार्टिंग में बोले थे मेरे को मालूम था ना ये एक्चुअली क्या है, ये गाड़ी में मेरे को अभी 2-3 बार प्रॉब्लम आ चुका है क्लच प्लेट। हां मिल गया, गाड़ी का जो क्लच का तो लफड़ा लगता है। नहीं ये क्या देखो आई गॉट, अच्छा देखो कैसे हो रहा है, एक लॉकिंग के लिए भी लगता है अपने को पाना, बट है नहीं अभी सपोर्ट रख ली, सपोर्ट ऐसा फंसाने का। ये मच्छर मलेरिया नहीं करेंगे ना, नहीं बेटी हमने सामान है मलेरिया जो। हां इसका फाइट कैसे करेंगे, स्लिप हो रहा है, गरम है गरम है। It's all hot. So you must be having a 4x4, right? तो आप ला सकते थे गाड़ी यहाँ पे। महाराष्ट्र इज कर्स्ड, श्राप लगा है महाराष्ट्र को, ना रेस ट्रैक है ना अच्छे रस्ते, बट पुणे हैज अ गुड राइडिंग कल्चर है। मतलब महाराष्ट्र में पुणे इज द सिटी वेयर आपका राइडिंग कल्चर स्टार्ट हुआ है। तो उस समय वो चेतक वेतक चलती थी ना, तभी से हमारा राजमाची ऑफ रोड एडवेंचर यहाँ पे एंड होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जिस किसी को भी लेह लद्दाख जाना है और उनके एरिया में गलती से अच्छे रोड्स हैं, सो प्लीज़ कम हियर प्रैक्टिस एंड देन गो टू लेह लद्दाख। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।